भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय दसम भागवत सभी प्रश्नों का है श्लोक संख्या पैंतीस शब्दार्थ अनुतात्परिवेन गृह भक्तिव साई प्रभा द्वारा अमूनी भगवदूपे रूपे ते अन्वर्णित उभे न गृणती माया भी विपश्चिता शब्दार्थ अमूनी ये सब भगवत श्री भगवान को रूपे रूपों में, रूपों में मया मेरे द्वारा ते, ते तुमको, तुमको। ही निश्चय ही अनुवर्णित क्रमशः वर्णित उभे दोनों, दोनों। अपि भी न कभी नहीं गृहणती स्वीकार करता है माया भाइया सृष्टे इस प्रकार से प्रकट होकर विपह चिता जानने वाला विद्वान अनुवाद मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाला शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता <coughs> तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है निर्विशेषवादी भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं एक और वे विश्व रूप भगवान की पूजा करते हैं और दूसरी और वे भगवान की अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं सर्वेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत क्रमशः भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों के लिए व्यवरत हैं किंतु भक्त इन दोनों सिद्धांतों का अस्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध होता है इसका वो स्पष्ट उल्लेख गीता के ग्यारहवें अध्याय में हुआ है जहाँ अर्जुन द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का अनुभव अंकित है अदृष्ट पूर्व हर्षिस्मी दृष्टा भये न मनो में दर्शय देव रूपम प्रसिदिवास भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्वक कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था किंतु जब उसने उसे देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई लेकिन वह एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ अतः उसने भगवान से अपना चतुर्भुज नारायण रूप या कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता था निसंदेह भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने की परम शक्ति से पूर्ण है किंतु भक्तजन तो भगवान के धाम त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप में रुचि रखते हैं त्रिपाद विभूति धाम में भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप अथवा दो भुजाओं वाला रूप किंतु भौतिक विश्व में उनका जो ईश्वर प्रकट है उसमें अनेक भुजाएं होती हैं और उन अनेक आयाम होते हैं और सभी कुछ असीम आकार के होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं कभी कभी वही वैकुंठ रूप इस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से श्री राम श्री कृष्ण श्री नृषिदेव के रूप में प्रकट होते हैं और इसी इसलिए भक्तजन इनकी भी पूजा करते हैं सामान्यतया भौतिक जगत में जो भौतिक रूप प्रकट होते हैं वह वैकुंठ लोक में नहीं पाए जाते हैं अतः शुद्ध भक्त इन रूपों को नहीं मानते हैं भक्तजन प्रारंभ से ही वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के शाश्वत रूपों को पूछते आ रहे हैं अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं और अंततः भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं <coughs> किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था इन दोनों ही स्थितियों में सदैव पूजा करने वाले हैं शुद्ध भक्त की पूजा कभी रुकती नहीं किंतु निर्विशेषवादी की पूजा ब्रह्म ज्योति में उसके लीन होने पर और मुक्ति मिलने पर रुक जाती है इसीलिए शुद्ध भक्तों को विपश्चित अर्थात विद्वान कहा गया है जिन्हें भगवान का पूरा पूरा ज्ञान रहता है ओह ज्ञान गॉड इति मेदंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः नामशेषम नमुपिशजि पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्या जगजामुरपरि माधुरम गोष्टतिम श्री अंदे हम श्री श्रीपति कमल श्रीगुर वैश्व शिशिर सागजात सह गण गजुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यव श्री राधा कृष्ण पद सह गण ललिता शी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गदाधर प्रवनितानंद्रीअ्वैत गाधर गौर गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के वही रूप के लिए देखकर दर्शन करके प्रसन्न होते हैं और वही रूप के आकांक्षी होते हैं जो वैकुंठ में पाए जाते हैं यहाँ लिखा है, है उभे अपनी न माया सृष्टि विपश्चिता अपी। ये दोनों रूप जो हमने पूरा ये अध्याय में देखा कि भगवान के विविध रूप है मतलब विश्व रूप है भगवान के हा? और ये विश्व रूप का दर्शन सामान्यतः भक्त लोगों को इतना प्रसन्न कर नहीं है वो नहीं चाहते ये रूप दर्शन करने के लिए उभे अपी न ग्रहणती वो दोनों ग्रहण नहीं करते हैं कौन जो भक्त होते है हा? कोई भी भगवान को जाने वाला शुद्ध वक्तों द्वारा ये रूप उसके स्वीकार्य नहीं है वो स्वीकार नहीं करते तो फिर ये रूप का दर्शन क्यों करवाते हैं भगवान वो उन लोगों के लिए जो भगवान को निराकार मानते हैं उनके लिए निर्विशेषवादी और एकेश्वरवादी वो उनके निर्विशेषवाद और सर्वेश्वरवाद वो क्या सोचते हैं कि भगवान <clears throat> सूक्ष्म मतलब भगवान सर्वव्यापी कब हो सकते जब उनकी प्रकाश हो निराकार हो तो ही वो सर्वव्यापी हो सकते हैं ये उनकी धारणा है और भगवान आकार कब लेते हैं ये जो दिख रहा है हमको वृक्ष पेड़ फिर नदियां सूर्य चंद्र सब ग्रह ये देखते हैं तो ये उनके लिए यही उनकी वो पूजा करते हैं ये विश्व रूप की लेकिन भक्त को भी मालूम है विश्व रूप है भगवान का लेकिन वो क्या देखते हैं उसमें सब में भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं क्योंकि भगवान की शक्ति और भगवान की भगवान स्वयं वो अभिन्न है इसलिए स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार ईष्ट देव स्फूर्ति भगवान के भक्त को सब जगह भगवान की ही स्फूर्ति होती है मतलब भगवान का ही दर्शन होता है ये दर्शन की पूर्णता है इसीलिए जब भगवान के भक्त जब वैकुंठ में होते हैं तो नारायण फिर चतुर्भुज रूप और राम रूप कृष्ण रूप वैकुंठ में पूजा करते हैं और भगवान कृपा करके वही रूप को इस जगत में वो प्रकट होते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवती भारत अपनी तदात्मा शक्ति के द्वारा आता हूँ तो ये इस जगत में वास्तविक भगवान का रूप तो वही है कृष्ण नारायण राम यही मूल रूप है भगवान कृष्ण मूल है और अपना विस्तार चतुर्व्यूह में पहले करते हैं पहले कृष्णा अपना विस्तार बलराम में करते हैं भगवान बलराम और ये वैकुंठ में दो रूप है एक द्विभुज और एक चतुर्भुज रूप तो भगवान कृष्ण बलराम द्विभुज है और फिर बलराम भगवान में से विष्णु चतुर्व्यू निकलते है पहला वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चतुर्व्यूह का विस्तार होता है और वो चतुर्वी में संकर्षण में से नारायण का उत्पन्न उत्पन उत्पन होता है विस्तार होता है और वे नारायण में से दूसरा चतुर्व्यू उत्पन्न होता है उत्पन और वो संकर्षण से ये पुरुष अवतार उत्पन्न होते हैं मतलब उत्पन्न नहीं बोल सकते हम विस्तार होता है तो इस प्रकार ये सब रूप वैकुंड में स्थित है ये पुरुष अवतार तो जब भौतिक सृष्टि का सर्जन करना पड़ता तो है तब भगवान पुरुष अवतार का विस्तार करते हैं लेकिन ये सब रूप पुरुष अवतार महास संकर्षण में से विस्तार होता है तो ये ये जो रूप है ये सब शाश्वत रूप है और भक्त उनकी ही पूजा करते हैं वो यहाँ यहाँ कहा गया है भक्त को विपश्चित अर्थात जानने वाला विद्वान तो हम सबको विपश्चित बनना है हमको विद्वान बनना है हमको वही रूप में जो स्वयं भगवान का सच्चिदानंद रूप है उसी में हमारी आसक्ति होनी चाहिए उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने भगवान बना देते हैं लेकिन वो वास्तविक रूप नहीं है भगवान का वो एक मनुष्य को यहाँ तक कि एक मनुष्य को भगवान बना देते हैं। ये बहुत ही बड़ी भूल है हमें कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए देखिए हमें अर्जुन की तरह अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्टवा भय न जब मनो में मैं आपका अपूर्वम जो पहले देखा नहीं है इसने रूप ये रूप को उसको देखता मैं हर्षित होता हूं लेकिन मुझे भय भी लगता है हु? ये ग्यारहवें अध्याय के पैंतालीसवा श्लोक है हु? तो पहले कभी नहीं अदृष्ट पूर्वम हर्षित दृष्टवा तो मैं हर्षित हो रहा हूं पुलकित हो रहा हूं किंतु साथ ही साथ मेरे मन में भय भय हो रहा है भय भय है में मेरे मन में हो रहा है। ये ये विराट रूप यही विश्व रूप जिसमें भगवान के अनेक असीम सर के मुख है मुख कमल है हस्त है पैर है विशाल है जैसे मैं बता रहा था ना कि हम लोग जब अ बद्री नारायण गए थे तो नीचे खीण देखकर हम लोगों को ये हो रहा था भाई भाई हो रहा था कितना डीप तो सोचिए पूरा विश्वरूप कैसे होगा ये तो एक भाग देख के हमको भाई हो रहा है तो पूरा विश्वरूप देख के कैसे होगा कभी हम पूरा मैदान हो और आकाश में देखेंगे तो हमको चक्कर आ जाएगा कभी कभी ऐसा लगता कितना विशाल ये तो हमारी आंख को दिखने वाला लेकिन भगवान का तो हमारी आंखों इतना ही दिखता है फिर भी हम भयभीत हो जाते हैं तो सोचिए पूरा विश्वरूप देखेंगे कैसे होगा नहीं हम देख सकते हैं भयभीत हो जाते यही कहते हैं भय न च प्रव्यथितम मनो में मेरे मन में भय हो रहा है तो क्या कहते हैं तदेव में दर्शय रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास हे भगवान आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए ये कृपा करें और हे देवेश जगन निवास पूरे जगत को अपने में समाने वाले जगन निवास यानी जगत के आश्रय मुझे आप वही रूप दिखाइए आपका स्वरूप पुनः दिखाइए तब भगवान उनको चतुर्भुज विष्णु दिखाते हैं और जब अपना द्विभुज मूर्तिधार श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं तब वो प्रसन्न होता है हाँ वो शांत हो जाता है ये, ये सही बात है गोपिया भी देखो गोपिया को वो पढ़ी नहीं थी कि कृष्ण भगवान है उनको वो पढ़ी नहीं थी उनको बस ये भगवान है बस हमें इनकी सेवा करनी चाहिए ये बहुत सुंदर लड़का है जब भगवान जगन्नाथपुरी में थे चैतन्य महाप्रभु तो ये सिद्धांत मतलब सिखाया क्या जब भगवान जगन्नाथ को रथ रत, रथ यात्रा में बाहर लेके आते तो भगवान चैतन्य बाबू उनके सामने नर्तन करते थे और श्लोक बोलते थे वो श्लोक का तात्पर्य किसी को मालूम नहीं था अभी पूरे विश्व को मालूम पड़ गया वो एक श्लोक बोलते थे और वो श्लोक सिर्फ रूप ये अपने उनके सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर को ही मालूम था भगवान क्या बोलते थे किसी को मालूम नहीं था फिर रूप गोस्वामी जब आए उन्होंने सुना तो उन्होंने इसी श्लोक के एक अनुरूप एक दूसरा श्लोक लिख लिया और वो श्लोक उन्होंने जब ये श्लोक चैतन्य ने पढ़ा तो बहुत उत्साहित हो बहुत खुश हो गए और ये श्लोक वही है श्लोक का भावार्थ क्या है कि आप वही कृष्ण हो और हम भी वही है हम, मैं भी वही हूं लेकिन आप अभी हाथी घोड़ा और बड़े बड़े प्रधान के साथ है, राजा के वेश में है लेकिन मुझे वो वेश अच्छा नहीं लगता है मुझे तो वही गांव का एक गोपाल गोपाल रूप जो इसमें बड़ा बड़ा इतना ये नहीं है आप त्रिभंगर स्वरूप में खड़े हैं वही रूप मुझे देखना है इसलिए आप वृंदावन आओ मेरे साथ इसमें मुझे रुचि नहीं है मतलब गोपिया ये तो चतुर्भुज रूप है चतुर्भुज रूप में भी उनको इंटरेस्ट नहीं है जब रासलीला से पहले जब भगवान अदृश्य अद्रश, हो गए तब गोपिया को नारायण के रूप में भगवान दर्शन करते थे वो इतने आकर्षित नहीं हुए वो बोले वो चले गए वहां से उनके ये करके तो ये है भगवान के रूप का दर्शन भक्त लोग वही द्विभुज या चतुर्भुज में करते हैं जो नारायण के भक्त हैं वो भगवान को चतुर्भुज रूप में जैसे वेंकटेश ये तिरुपति बालाजी में भगवान का चतुर्भुज रूप है हुँ? भक्त को वही रूप हमारे मेरे गुरु भाई है उनका नाम नारायण दास रखा है वल्लभ विद्यानगर में पुजारी है एड पुजारी तो उनको चतुर्भुज नहीं रुचि है <laughs> वो कृष्ण के रूप में रुचि नहीं है मतलब जानते हैं जैसे हनुमान जी हनुमान जी जानते हैं कि ये राम ही कृष्ण क्रिश, कृष्ण ही राम ही है लेकिन वो कहते हैं कि मैं मैं राम के रूप में ही मेरी भक्ति करूंगा मैं जानता हूं आप ही कृष्ण आप ही राम हो लेकिन मुझे यही रूप में रुचि है तो ये होता है भक्तों का ये दिव्य आदान प्रदान का होता है तो अभी सोचिए कि भक्तों को किसी किस भक्त को इसमें रुचि होगी विशाल रूप में नहीं हाँ लेकिन वो भक्त इसको ये नहीं करता है उसका ईर्षा या उसको, उसको त्यागता नहीं है वो ठीक है ये भगवान का रूप है भगवान की शक्ति है मेरे भगवान वही ये द्विभुज मूल्य धारे श्याम सुंदर भगवान यही ये रूप में प्रकट हुए हैं जिससे हम उनका दर्शन करके मतलब उनकी शक्ति का दर्शन करके हम उनकी सेवा में लग सके हम ये समझ सके ये मेरा कुछ नहीं है, ये जहां जो भी दिखता है इस जगत में मेरी दृष्टि जहां भी गिरती है वो भगवान है वो चीज भगवान की शक्ति है और वो देख के भक्त कभी भी आ, अपने को भोगता नहीं समझता अपने को मालिक नहीं समझता है वो दास समझता है तो दास समझने का भाव प्रकट कर दास समझने के लिए ये अध्याय में भगवान ने अलग अलग रूप मतलब अलग अलग अपना विस्तार किया वर्णन किया है तो हमें ये सब देखना है इसी इसी तरह हमको भगवान का दर्शन करना है और ये ये जो रूप है इसके ये रूप का जो इसमें लिखा है आ, ये रूप का जो वर्णन है भगवान के द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण तो कहते हैं कि तुमने तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा क्योंकि मैं न तो वेदाध्यन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य अखंड या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं मतलब ये विश्व रूप के लिए भी कठिन तपस्या चाहिए विराट रूप के लिए हाँ, ऐसा नहीं है सबको दिखेगा इसलिए किसी को दिखता नहीं है ना ये रूप जो है कौन मानता है कि ये यस ये भगवान की आंख है सूर्य को कौन मानता है भगवान की आंख है कोई नहीं मानता है तो इसके लिए भी पुण्य दान यज्ञ तप करना हमारे पुण्य होना चाहिए कहते हैं लेकिन ये जो मुरलीधर कृष्ण का रूप है तो इसमें तो विशेष सुदूर्दर्शन इदम रूपम अर्जुन तुम मेरे इस रूप को देख रहे हैं ना उसको बहुत दुष्कर ये रूप को देखना सुदूर्दुष सुदूर्दर्शन इदम बहुत ही अद्भुत रूप है और इसको दर्शन करना बहुत दुर्लभ मतलब दुष्कर है सबको नहीं हो सकता इसीलिए हम लोगों को भक्ति से वो योग्यता प्राप्त करनी है भक्ति करनी है भगवान की ये विश्व रूप का इस प्रकार भागवतम में वर्णन पढ़कर पढ़कर समझ कर हमें समझना चाहिए कि यस ये जो रूप है वो भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान का सुदूर्दर्शन रूप जो है वो वैकुंठ स्थित है और हमको इस कभी कभी भगवान जब आते हैं राम रूप में कृष्ण रूप में नरसिंह रूप में तो हम लोगों को हम भक्त जो है वो उनकी पूजा करते हैं इसीलिए हम लोग फेस्टिवल जो मनाते हैं उसमें भगवान के रूप का चिंतन करते हैं अभी रामनवमी के हम सब ने राम की कथा कही तो राम की कथा रामायण राम का नाम और स्वयं राम एक ही है हम हा, नाम रूप गुण लीला सब एक है यानी भगवान का नाम लेते हम कृष्ण राम तो साक्षात हम भगवान के संपर्क में आते सोचिए इससे बड़ी बात क्या है ये सब बात जो है भगवान का दर्शन करने समान है जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का दर्शन ही है जब भगवान की कथा सुनते हैं वो भी भगवान का दर्शन है ये सब हमें समझना है ये भगवान की जो नवढा भक्ति है सभी से भगवान की संगति होती है भगवान का दर्शन होता है अः <clears throat> शवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरण करना वो भी भगवान का दर्शन है पाद सेवनम जो भी हम करते हैं ये नवडा भक्ति में वो सबसे भगवान का दर्शन होता है तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी मैं जो राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम आरे राम राम हरे हरे ये जो बोल रहा हूं तो भगवान तो अभी दूसरी जगह है नहीं ये साक्षात हम भगवान से संपर्क कर रहे हैं ये हमें समझना चाहिए इसलिए जब कोई भक्त एक जब भी करता है तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि उसका संपर्क भगवान से शुरू हो जाता है ये कोई आज, ये नहीं है किसी ने बनाया हुआ नाम नहीं है ये शास्त्रों में वर्णित नाम है कभी कभी हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे आते हैं जैसे आप लोग है, बोलते हैं कोई तो हरे राम हरे राम पहले आया हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोई इससे कोई ये नहीं पर जो आ, ये हरे राम हरे राम मंत्र भी सेम है लेकिन उसके लिए योग्यता चाहिए ऐसा मैंने सुना है बहुत बड़ी योग्यता चाहिए इसलिए हरे कृष्ण मंत्र चलेगा मैंने ये पढ़ा भी है इसलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण से भी बोलेंगे लेकिन दोनों एक ही है कोई भेद नहीं है पर शॉर्ट में दोनों मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र से हम भगवान का दर्शन करते हैं और फिर एक दिन हम भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन कर पाएंगे इसीलिए देखो यहां क्या लिखा है ये कि हम्म माया, माया सृष्टि विपश्चिता जो सृष्टि का दर्शन करते हैं लेकिन इसको स्वीकार नहीं करते कि ये भगवान का मूल रूप नहीं है हा? मैंने तुम इसको भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का वर्णन किया है उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाला शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता यानी ये रूप इस भौतिक जगत के लिए भगवान का भौतिक रूप है जो नाश हो जाएगा भौतिक जगत के ये शाश्वत रूप नहीं है लेकिन ये रूप का दर्शन करके हम भगवान की शक्तियों का दर्शन करके हम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते हैं मतलब भगवान ने बहुत सारी विधि दी है बहुत सारी विधि दी है जिससे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं हमारी आंख से भी कर सकते हैं इस प्रकार से जैसे ये वर्णन किया पूरा वर्णन जब हम आते हैं विश्व रूप का वर्णन हमने जब देखा तब हम ये वर्णन देख के वर्णन सुन के हम समझ सकते हैं से भगवान की शक्ति है और इस प्रकार से हम योग्य बन सकते हैं लेकिन ये जो वर्णन है ये वर्णन जब हम भगवान की भक्ति शुरू करेंगे तब हमें हमारी समझ में आएगा भक्ति से पहले वो समझ में नहीं आएगा ये रूप का हाँ हा, हम बोलेंगे ये तो ऐसे ही है एक ब्रह्मांड में एक बड़ा धड़ाका हुआ बिग बैंग थियरी और ये अपने आप प्रकट हो गया सब लोग ऐसे मानते हैं ये इतने मूर्ख है कैसे ही मानते हैं अपने आप धड़ाका का हो गया और ये लेकिन ऐसे नहीं अपने आप कैसे कुछ भी होगा कुछ नहीं होगा अपने आप जो भी होता है वो इसके पीछे कुछ जीवंत व्यक्ति का हाथ होना चाहिए कोई भी चीज ये अपने आप पंखा नहीं घूम रहा है इसके पीछे कितनी बड़ी का, बेड़ा कार्य हुआ है कोई बोलेगा पंखा अपने आप देखो घूम गु, रहा है हा? नहीं ये कितना बड़ा इसके पीछे सिस्टम है पानी बहता है है उसमें उसको से बिजली उत्पन्न होती है, और वो बिजली को कंट्रोल करके बिजली रूम में लिया जाता है फिर तारों से सब जगह दिया जाता है फिर यहाँ कनेक्शन आता है किसी ने पंखा बनाया किसी ने स्विच चालू किया ऐसे नहीं इसके पीछे बहुत बड़ी टेक्निक है इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड के पीछे भगवान की शक्ति है पूरा ब्रह्मांड और ये पंखा भी भगवान की शक्ति है ये घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी से घूमता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है भगवान की भूमिराप नलो वायु पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सबसे भगवान की शक्ति आती है थी। तो इस प्रकार हम ये दृष्टिकोण से देखकर हमारी बुद्धि इस प्रकार से विकसित करें ताकि हम ये सब विश्व रूप का दर्शन करके हम समझ सके ये पूरा मूल इसका जो आधार है जैसे भगवान गीता में कहते हैं ब्राह्मणों का निराकार अंग ज्योति है जिसको लोग बहुत सारे लोग वही उसी को परम मानते हैं भगवान निरंजन निराकार है वो अंग ज्योति क्या है ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम मैं उसका आधार हूं भगवान कहते कृष्णा यानी भगवान के शरीर से जो अंग ज्योति निकलती प्रकाश निकलता है वो प्रकाश वही ब्रह्म ज्योति बोलते हैं वही ब्रह्म ज्योति तो भगवान से निकलती है इसीलिए उसका आधार मैं हूं भगवान भगवदगी स्पष्ट कहते हैं यानी भगवान निराकार है वो निराकार पहलू भी आकार से ही आता है भगवान नहीं होते तो ये शक्ति कहाँ से आती उनकी मैं हूं तो मेरी शक्ति है मैं हिल सकता हूं यहां ये बोल सकता हूं तो ये मेरी शक्ति है मैं हूं इसलिए बोल सकता हूं मैं होगा ही नहीं तो कौन बोलेगा कभी कभी हमको आकाशवाणी सुनाई देती है हमको तो नहीं सुनाई देती हमारे कान ऐसे नहीं है लेकिन जब हिरण्य ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाना शुरू किया तब ऋषियों देवता सब भगवान को प्रार्थना करने लगे और तब सब भगवान की वाणी उनको सुनाई दी कि आप चिंता मत करो मैं आऊंगा आप चिंता मत करो तो देवता को शांत न मिली कहने का तात्पर्य भगवान की वाणी जो है वो भगवान है मतलब वाणी हमने सुना हाँ तो भगवान है कोई बोलने वाला है मैं इधर बैठा हूं हम्म तो कोई नहीं है लेकिन यदि हम मुझे कुछ सुनाई दिया तो हम इधर देख कौन बोला कोई तो बोला है कोई तो था इधर कोई बोला है हम बोलेंगे ना कोई तो बोला है हम ऐसे थोड़ी बोले नहीं कोई बात नहीं ऐसे ही प्रकट हो गया नहीं कोई तो बोला है फिर हम उसको ढूंढेंगे है का है का है इसी प्रकार जब भगवान की वाणी हमको सुनाई देती है आकाशवाणी कहा किसी ने बोला है यानी मेरे कहने का मतलब कि भगवान निराकार नहीं है हम? आवाज हमको निराकार लगता है लेकिन वो बोलने वाला तो है ना इसी प्रकार भगवान का प्रकाश ये सूर्य क्या जो प्रकाश है वो निराकार लगता है लेकिन सूर्य प्रकाश सूर्य ग्रह में से आता है और सूर्य देव में से आता है वो ग्रह है सूर्य ग्रह सूर्य देव है और सूर्य प्रकाश तीन चीज है इसी प्रकार भगवान निराकार ने उनका शरीर का प्रकाश है जो निर्विशेषवादी वो उनको सूक्ष्म रूप की वो रूप की पूजा करते हैं और दूसरा विश्व रूप की पूजा करते हैं लेकिन भक्त क्या है भक्त होता है विपश्चिता यानी विद्वान प्रभुपत लिखते हैं इसीलिए शुद्ध भक्तों को विपश्चित अर्थात विद्वान कहा गया है जिन्हें भगवान का पूरा पूरा ज्ञान रहता है हम एक ज्ञानी बनता है ऐसा ज्ञानी बनना है कि कृष्ण भक्ति करनी है भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन करना है भगवत गीता पढ़नी है भागवतम पढ़ के भगवान को समझना है और एक दिन हम भगवान को समझने के लिए सक्षम हो जाएंगे अभी भी हम सक्षम है भगवान को समझने के लिए जितना भगवान हमको समझाते हैं जितना भगवान ने भगवदगीता में भागवतम में समझाए तो भगवान छुपे नहीं है जब चैतन्य महाप्रभु के सामने चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन कर रहे थे तब जब ये भागवतम का ये जो श्लोक है ना आया कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम संगो पंगास्त पार्षदम जब ये रूप का वर्णन आया तब उन्होंने बोला कि ये आप ही हो तब भगवान ने उसको नहीं नहीं आगे बढ़ा दिया कहने का तात्पर्य भगवान के भक्तों के सामने भगवान का रूप छुपा नहीं है वो पकड़ लेते हैं तो इसीलिए हमारे लिए अभी हरि नाम जो है भगवान का नाम है पवित्र नाम बस वही भगवान का रूप है दर्शन है वही अभी हम योग्य नहीं है लेकिन नाम सुन सकते हैं। कृष्ण राम ये सुन सकते हैं इसीलिए ये सुन के हम शुद्ध होंगे और शुद्ध होके हमको दिव्य दृष्टि मिलेगी जैसे अर्जुन देख रहे हैं ये दिव्य दृष्टि से भगवान का रूप का दर्शन होता है और ये जो रूप है वो भी दिव्य रूप है हमारी आंखों को दिखने वाला दिव्य रूप है यानी हमारे कान को जो आवाज सुनाई रहे वो दिव्य रूप है वो भगवान और वो रूप में कोई फर्क नहीं है और यहाँ जो साक्षात छवि है ऐसे छवि नहीं समझना चाहिए ये रूप है जो हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के राम यहाँ राम सीता राम लक्ष्मण हनुमान ये सब रूप है वो साक्षात भगवान है हमको दिखते हैं हमारे रूप हमारी आंखों के हिसाब से भगवान इस रूप से प्रकट होते हैं तो इस प्रकार एक दिन हम वही वैकुंठ वाला गोलोक वाला भगवान कृष्ण श्याम सुंदर रूप को दर्शन कर सकते हैं प्रकट हो गए सेवन मुखे जीवा तो स्वयं में स्फूरत्य था वो स्वयं प्रकट होंगे तो हमें उसी में उसी के लिए लालायित रहना चाहिए और इसके लिए विधि है जब करो और सेवा करो भगवान की बस सेवा करने से हम सिद्ध हो जाएंगे सेवा करना आवश्यक है किसी भी प्रकार से अपनी सेवा करो सेवा रखो सेवा छोड़ो मत तब एक दिन हमको ये दर्शन होगा जरूर होगा अभी भी हम दर्शन करें लेकिन वो समझना है जैसे हम जब करें तो ऐसा नहीं समझे जब सोलह जब जैसे जैसे पूरा कर दो नहीं ध्यान से ये मैं क्या कर रहा हूँ भगवान से संपर्क हो रहा है मेरा जैसे हमारा मन तो दुष्ट है तो मन तो इधर उधर भटकाएगा फिर वापस याद करना है नहीं 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 मैं जब कर रहा हूँ यही जब भगवान है यही मेरा संपर्क हो रहा है भगवान से इसी प्रकार हरे कृष्ण हरे कृष्ण जब करना है तो हमारा इस प्रकार से शुद्धिकरण होगा और हम अभी भी बैठे हैं, मालूम नहीं है जैसे एक छोटा लड़का है छोटा लड़के के सामने कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए भाई नरेंद्र मोदी आ जाए लेकिन उसको मालूम नहीं है नरेंद्र मोदी है ऐसा ही हमारा है हमको मालूम नहीं हम जो नाम लेते हैं हमको अभी साक्षात् नहीं हो कि ये नाम ही भगवान है हम छोटे बच्चे हैं इसलिए हमको मालूम नहीं इसीलिए हम लोगों को उत्साह से ये नाम लेना चाहिए कि किसको ऐसा मौका मिलता है माला करना हरे कृष्ण माम किसको मिलता है मौका कौन है बताओ कोई तैयार नहीं है माला करने के लिए बोले एक दो माला करेंगे नहीं इसीलिए हमको माला अच्छी तरह करनी चाहिए ये हमारा सौभाग्य है उसको समझ कर हरे कृष्ण भागवतम की जाए इसीलिए विपक्षिता यानी ये जिसको जानकारी है पूरा जय ज्ञान है भगवान के रूप में भागवतम की जाए पंचकतृभ्य शिविर कृपा सिंधु पति पान्यो वैष्णवभ्यो नमो नम दंते निधाय तृण कंपद निपत् चकाकुशतमेतद हे साधव सकलेव विहाय दुरा चैतन्य चंद्रचर कृतानुराग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे